Hello, hello. So, hello guys. तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पबजी की टिप्स, कुछ देने वाला हूँ जिससे आप बन सकते हो एक प्रो. बेसिकली प्रो तो ये टिप्स से तुम बन सकते हो, लेकिन अगर तुम पबजी ज़्यादा खेलोगे ना तो तभी प्रो बन पाओगे. जितना तुम्हें एक्सपीरियंस होगा तभी तुम प्रो बन पाओगे. बट ये एक्सपीरियंस इतना भी पबजी मत खेल लेना कि तुम्हारी पढ़ाई इफेक्ट हो और तुम्हारा कांड हो जाए. तो पहली टिप की बात करते हैं यहाँ पे, टिप नंबर वन. तो टिप नंबर वन ये है कि जब भी आप खेल रहे हो, तो अगर टीम में खेल रहे हो, सोलो में खेल रहे हो, किसी भी तरीके से खेल रहे हो, तो चौड़ के दबंग की तरह नहीं जाना है तुम्हें भाई. ऐसा नहीं हो पाएगा, तुम पे ना हो पाएगा, ठीक है. अगर चार बंदे हैं, दो बंदे हैं, सिंगलर है, तो उसके सामने बिल्कुल भी मत जाओ, ठीक है. साइड में से या बिल्डिंग है या कुछ रखा हुआ है, तो वहाँ से उसको मारो, उसके पीछे छुप के, ताकि वो खुलेआम में मर सके और तुम बच सको, ठीक है. टिप नंबर टू. और टिप नंबर टू है कि ऑलवेज 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 यूज़ करो एक कार, बाइक या जो भी है व्हीकल, क्योंकि अगर तुम पाँव पाँव भागते रहोगे ना, तुम्हें पता है क्या होने वाला है, कांड आ गए, वेब आ गई, तो वैसे ही तुम्हारा कांड हो जाएगा. इसलिए ऑलवेज एक व्हीकल यूज़ करो, ताकि तुम टाइम पे पहुंच पाओ और कांड दूसरों का कर पाओ. टिप नंबर थ्री. टिप नंबर थ्री ये है कि ऑलवेज एक, अगर तुम स्नाइपर नहीं हो ना, तब भी एक स्नाइपर जरूर रखो अपने साथ. एक स्नाइपर गन, मतलब बेसिकली तुम समझ ही गए होंगे. तो वो कभी ना कभी तुम्हें पता पड़ जाएगा कि कब यूज़ करना है स्नाइपर गन तुम्हें, बेसिकली, ठीक है. टिप नंबर फोर. टिप नंबर फोर ये है कि ज़्यादातर ग्रेनेड, स्मोक ग्रेनेड और साइलेंसर वाला ग्रेनेड ऑलवेज ये यूज़ करो. इसकी क्वांटिटी तुम चार ग्रेनेड ले सकते हो, दो स्मोक ग्रेनेड या तीन, और दो साइलेंस वाले ग्रेनेड. तो इसमें ये नहीं है कि बैग में धर के बस खेले चले गए, इन्हों को यूज़ नहीं करा. यूज़ करो, बिल्कुल इन्हों को यूज़ करो, कहीं ना कहीं पर तुम्हें पता पड़ जाएगी कहाँ पर इन्हों को यूज़ करना है. सही टाइम पर यूज़ करो इन्हों का बिल्कुल. और जैसे ग्रेनेड है, उसको उसमें 6 सेकेंड मिलती हैं तुम्हें फेंकने के लिए, तो उसको तुम 3 या 4 सेकंड पे फेंक दो, ताकि एनिमी को बिल्कुल भी टाइम ना मिले भागने का, और ब्लास्ट कर दो कति. और स्मोक ग्रेनेड तुम ऐसे यूज़ कर सकते हो कि रिवाइव वगैरह कर रहे हो तो वहाँ पे कर दो, ताकि तुम्हारा एनिमी तुम्हें प्रॉपर देख ना पाए और तुम अपने साथी को या अपने आप अपने साथी को रिवाइव कर पाओ, बेसिक. टिप नंबर फाइव. अगर तुम एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो जहाँ पे तुम्हें बिल्डिंग के बाहर, तुम सिंगल हो, मतलब तुम अगर टीम में भी हो और तुम्हें एनिमीज ने बाहर से घेर लिया है, तो उस सिचुएशन में क्या करोगे तुम? अंदर चूतड़पंती करोगे, वो बम बम फेंक के तुम्हारी वैसी फाड़ देंगे. तो ऐसा कुछ नहीं करना है चूतियापंती. बेसिकली तुम्हें क्या काम करना है, एक बंदा तुम्हारी टीम का वहीं रहेगा और तीन और बाहर चले जाएंगे बेसिकली. तो अंदर वाला बंदा तो चारों तरफ चलता रहेगा, ताकि वो इनको कंफ्यूज कर सके, और तीन जो अलग अलग डायरेक्शन में उतरे हैं वो उन्हों की भसड़ मचा सके. टिप नंबर सिक्स. तो टिप नंबर सिक्स ये है, अगर तुम बेसिकली स्क्वाड में खेल रहे हो या ड्यूज में खेल रहे हो, तो ये नहीं है कि मैंने बहुत ऐसे चूतिया देखे हैं कि जो अलग अलग खेलते हैं टीम से. ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी. अगर तुम स्क्वाड में खेल रहे हो, ड्यूज में खेल रहे हो, उसका मतलब यही है कि तुम्हें साथ रह के खेलना है. तुम साथ रह के खेलोगे तो बहुत मैक्सिमम चांसेस हो जाएंगे तुम्हारे इंक्रीज, किसके? चिकन डिनर लाने के. तो बस यार आज के लिए इतना ही. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक वाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मज़े लेते रहेंगे चैनल पे. तब तक के लिए गुड बाय.